वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता और हमारा चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट, जिसका लेक्चर नंबर 3 है आज। तो लास्ट क्लास में हमने गैस लॉस के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके आगे कवर करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? देखो, आइडियल गैस क्या होता है ये तो हमने पढ़ा था ना, वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ गैसियस स्टेट। और आइडियल गैस जितने भी लॉज हमने पढ़े थे उसको फॉलो करता है, और उसी लॉ को फॉलो करते हुए एक इक्वेशन बना आइडियल गैस का, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि जब टेम्परेचर आपका जब कॉन्स्टेंट रहता है तब जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के। चार्ल्स बोलते हैं कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। गे लुजेक ये कहते हैं कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तब जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और एवोगैड्रो ने यह कहा था कि जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो तब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। नाउ इन चारों को अगर हम कंबाइन कर देखें तो ये वी पी इधर जाएगा, तो ये पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू टी। ये कैसे आया जरा देखो, यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टी के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टी के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एन के। आया, और पी वी, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आया। नाउ अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनता है पी वी इज इक्वल टू, जब भी कांस्टेंट हटता है तो इक्वल आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये आप सोच रहे होगे कि सर ये आर क्या है, दिस आर इज योर गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये आर गैस कांस्टेंट है और यही आपका आइडियल गैस का इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हमें ये समझना है कि सर ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें जो R की वैल्यू है ये ना चेंज करती है, आप यूनिट जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें PV इज इक्वल टू NRT, सबसे पहले तो हमने लिख लिया, हमने यहाँ से लिख लिया R इज इक्वल टू PV बाई N इंटू टी। चलो अब अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो SI यूनिट के टर्म में जो R है उसकी वैल्यू क्या होगी, जरा देखो R की वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये होता है आपका SI यूनिट के टर्म में। नाउ MKS यूनिट के टर्म में क्या होता है, MKS यूनिट के टर्म में जो R की वैल्यू है वो होती है आपकी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ से एक ध्यान से ये चीज़ समझना कि ये जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर लीटर और यहाँ पे जो जूल है ये एक्चुअली इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये एनर्जी का टर्म है, और ये इसलिए यहाँ पे जो जूल है ये भी एनर्जी का टर्म मैंने लिखा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो आपका CGS यूनिट एक बचता है, CGS यूनिट में आपका जो R का वैल्यू है वो हो जाता है आपका 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। और अर्ग क्या है आपका, ये एनर्जी का टर्म है इन CGS यूनिट। R की एक और वैल्यू होती है कैलोरी के टर्म में, जिसको हम बोलते हैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कैलोरी के बारे में, कैलोरी से रिलेटेड कभी पूछेगा, थर्मोडाइनेमिक्स में बेसिकली यूज होता है, तो आप क्या लिखोगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एंड दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए याद रखना है, ठीक है। नाउ आज का जो हमारा बेसिक मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है, वो है हमारा डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो डॉल्टन वाज अ साइंटिस्ट, ये तो आप पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पार्शियल प्रेशर क्या है, प्रेशर तो मालूम है, पार्शियल प्रेशर क्या है? तो पार्शियल प्रेशर को हम कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लिया आपके पास आपका एक गेट है, या फिर सपोज कर लो कि आप ही हो, मान लिया कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इधर फेस करके खड़े हो आप, पीछे से एक छोटा सा बच्चा आता है ऐसे आपको धक्का देता है, तो आपको लगेगा कि ओ कोई तो धक्का दे रहा है मेरे को पीछे से, ठीक है। अब एक और बच्चा आता है पीछे से, वो भी आपको धक्का दे रहा है, अब लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही धक्का लग रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा है प्रेशर पीछे से। एक और आया, फिर पीछे से धक्का दिया। अब देखो बच्चों ने तो अपना अपना प्रेशर इंडिविजुअली आपके ऊपर एग्जर्ट किया, लेकिन आप क्या फील कर रहे हो, इन तीनों का कंबाइंड प्रेशर फील कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही प्रेशर कुछ पीछे से लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इन तीनों बच्चों का जो इंडिविजुअल प्रेशर था वो आपके ऊपर जाके एक्ट कर रहा है। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी यही कहता है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स अगर मौजूद हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम अगर फिक्स है और आपने टेम्परेचर को फिक्स कर रखा है, और
और ये जो गैसियस पार्टिकल्स है वो नॉन रिएक्टिंग इन नेचर है। क्या है? नॉन रिएक्टिंग इन नेचर है, मतलब एक दूसरे के साथ घुलते नहीं है। तब ये जो गैसियस पार्टिकल्स है ये इंडिविजुअली जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ना इस कंटेनर पे, ये कंटेनर इन सब के प्रेशर का समेशन फील करेगा, और जो टोटल कंटेनर का प्रेशर है वो इंडिविजुअली गैस का जो प्रेशर है उसके इक्वल होगा। और वो यही यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ गैसियस मिक्सचर, मतलब ये टोटल इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, मतलब एक एक कॉम्पोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, इसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं बेसिकली। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रेशर की से लगने से जो टोटल प्रेशर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। और इंडिविजुअल प्रेशर को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट की लगने की वजह से टोटल प्रेशर क्रिएट होता है पीएम, और ये पीएम कैसे आता है? पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, अप टू पीएन पार्टिकल्स तक, ठीक है। ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये तभी वैलिड है जब जब गैस एक दूसरे के साथ कंबाइंड ना करे नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या? 25 डिग्री सेल्सियस इज योर व्हाट इज योर रूम टेम्परेचर बेसिकली। तो रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन है, उसमें जब ये गैस एक दूसरे के साथ कंबाइंड ना करे, नॉन रिएक्टिंग इन नेचर हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो कर रहा है। तब हम कहेंगे कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? पी ए पी बी पी सी दिस 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 आर क्या? ये ईच कंपोनेंट का क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। चलो ये चीज तो क्लियर है। नाउ अभी मान लिया कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके कंटेनर में। ये पार्टिकल नंबर ए है, ये पार्टिकल नंबर बी है, ये पार्टिकल नंबर सी है, पार्टिकल नंबर एन है। तो ये इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? पी ए या पी डैश ए बोल दो। ये इस पे एग्जर्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा? पी डैश बी। ये इस पे एग्जर्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा? पी डैश एन। ये इस पे एग्जर्ट करेगा, पी डैश सी। बहुत सारे ऐसे हैं, ए बी सी डी अप टू एन तक, ठीक है। तो टोटल टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर ये हो जाएगा इन सब के प्रेशर का समेशन। टोटल प्रेशर हो जाएगा इन सब का समेशन। ये चीज तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। अब हमें पता है कि PV इज इक्वल टू होता है nRT। हमें पता है कि PV इज इक्वल टू होता है nRT। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, और R तो खुद कांस्टेंट है ही, तब हम ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू N into RT by V। अब यहाँ पे जो वैरी करने वाला चीज है वो प्रेशर है और क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो मान लिया कि टोटल प्रेशर PM into V is equal to NM, क्योंकि टोटल मिक्सचर का प्रेशर हम लेके चल रहे हैं, R into T, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RT और V तो कांस्टेंट था, NM को हम क्या लिख सकते हैं? मिक्सचर, टोटल मिक्सचर का प्रेशर है, टोटल मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी। तो टोटल मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स में कौन कौन से पार्टिकल है? ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो हमने यहाँ पे पीएम को तो पीएम एज इट इज रखा, आरटी को हम इधर लेकर गए और वी को डिवाइड में रखा, और ये एनएम के जगह पे हमने क्या लिखा? ए बी सी डी मिक्सचर में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सबको ऐड करके, ठीक है। नाउ ये तो ठीक है, पहला, ये पहला था। दूसरा, इंडिविजुअली अगर हम सबका यहाँ पे जैसे कि पार्टिकल नंबर ए का अगर हम प्रेशर निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? पी डैश ए इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी बाई वी, क्योंकि आर टी बाई वी तो कॉन्स्टेंट था, चेंज तो ये कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम इसको, ये इक्वेशन नंबर टू है, अगर टू को वन से डिवाइड किया तो आर टी बाई वी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर एन ए बचेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और नीचे क्या बचेगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अप टू एन एन तक। समझ में आ रहा है? अब मोल फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है जैसे सॉल्यूट का, तो आप क्या लिखते हो? ऊपर एन ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट का मोल्स, जिसका निकालते हैं उसका ऊपर मोल्स लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एन टोटल बेसिकली, ये लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे एक चीज हमें एक यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पे पी डैश ए को एलिमिनेट करें तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एन डैश, ये एन ए बाई टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स था, ये तो आपका मोल फ्रैक्शन बताता है, ठीक है।
और साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, पीएम के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है ये चीज, कि ये मोल फ्रैक्शन कहाँ से आया, ये वाला टर्म जो है यही मोल फ्रैक्शन है, ये वाला जो टर्म, इसको थोड़ा सा मैं मेरे को साफ करने दो फिर और समझ में आएगा। देखो ये जो आपका टर्म है ना, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो घेरा है, यही आपका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि ए के बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मिक्सचर में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है यही बताएगा। यहाँ से ये वाला एक इक्वेशन निकल के आता है, और फिर आप ये बोल सकते हो किसी भी कंपोनेंट का ए क्या, किसी भी कंपोनेंट का अगर निकालना तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पी डैस जिसका भी निकालना है, पी डैस ए, पी डैस बी, पी डैस सी, उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट टर्म हमारा है, नेक्स्ट टर्म हमारा है ये, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें देखने हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये लॉ जो है ये वैलिड है सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ सैचुरेटेड वेपर्स डू नॉट ओबे गैस लॉज एक्सेप्ट डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। जो सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं, सैचुरेटेड वेपर्स का मतलब क्या, उसमें वाटर वेपर भी रहेगा उसमें, ठीक है, उसमें ड्राई एयर भी रहता है या ड्राई गैस भी रहता है। तो सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है, वो सिर्फ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करते हैं, गैस लॉज को फॉलो नहीं करते हैं वो, ठीक। अब कैसे, जरा देखो, जो मॉइस्ट एयर होता है, मॉइस्ट गैस या मॉइस्ट एयर जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, देखते हो सूखा सूखा, देखो मॉइस्चर किसको बोलते हैं, बोलते हो ना कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मॉइस्चर टाइप का लग रहा है। तो मॉइस्ट का मतलब होता है कि जो ड्राई गैस होते हैं उन ड्राई गैस या ड्राई एयर के साथ थोड़ा बहुत वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स अगर मिला हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं, मॉइस्ट बोलते हैं। तो ये वाला याद रखना है कि जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस होगा वो ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर वेपर का जो प्रेशर है उनके समेशन के इक्वल होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो ड्राई गैस का प्रेशर इज इक्वल टू मॉइस्ट माइनस पी वाटर वेपर, या वाटर वेपर को आप क्या लिख सकते हो, एक्वस टेंशन, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है वाटर, टेंशन का मतलब, या एक्वस टेंशन क्या है, ये लिक्विड में एक्चुअली हमें पढ़ना है, जिसकी वजह से वो बबल्स वगैरह, सोप बबल्स वगैरह आपका फॉर्म होता है ना, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। नाउ एक्वस टेंशन रिमेंस कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो एक्वस टेंशन भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मास ऑफ H2O इन एयर, एयर में H2O का मास कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2O रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एयर, उस एयर को सैचुरेट करने के लिए कितने H2O की जरूरत होती है, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बट ये याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत ईजी है, काफी ईजी है। अब ये क्या कहता है जरा देखिए, ये कहता है कि हमें तो पता है ना कि रेट क्या होता है, पर यूनिट टाइम जिस जो चलता है जो चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, रेट, पर यूनिट टाइम को ही। ये कहता है कि आप एक एग्जांपल लो, आपके पास सपोज करो एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आपने यहाँ से गेट खोल रखा है, यहाँ से एक भारी, एक यहाँ से हेवी पार्टिकल को एंटर करा रहे हो, एक लाइट पार्टिकल को एंटर करा रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट किया दोनों के ऊपर, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, पहले मैंने यहाँ से दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर एग्जर्ट किया, तो ये बताओ इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करने पे ज्यादा तेजी से कौन मूव करेगा, जो हल्का वाला है वो मूव करेगा, फील करो। तो प्रेशर जितना ज्यादा एग्जर्ट करेंगे ये हल्का वाला जो पार्टिकल है, पर यूनिट टाइम में वो उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब कि जो रेट होगा ट्रेवलिंग का वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो जितना भारी है वो उतना कम, अब यहाँ मास के टर्म में रिलेट करके लेके चले, जिसका मास जितना भारी उसका रेट उतना कम, मतलब मास ज़्यादा और रेट क्या होगा, कम। इसका मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m, और दोनों को कंबाइन करके चलेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे कर लो, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई एम, दोनों को अगर कंबाइन करके चलेंगे तो, ठीक है। एक बार इसका देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट। ये समझो पहले कि डिफ्यूजन जो वर्ड यूज किया, ये डिफ्यूजन क्या है। सपोज करो आपके पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, सबके पास होता है। अब इस गैस सिलेंडर के पास एक नोजल लगा हुआ रहता है,
इस गैस, ये नोजल लगा हुआ रहता है। अब इस नोजल से जो पाइप निकला हुआ रहता है, ठीक, अब इस नोजल से गैस इजेक्ट होता है, ठीक है। तो इस गैस इजेक्शन को कहते हैं, यहाँ से इस नोजल के पास को बोलते हैं हम इफ्यूजन, इफ्यूजन। और कभी कभी आप देखते होंगे कि गैस लीक कर गया, चारों तरफ फैल गया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब एटमोसफेयर में पूरी चारों तरफ से जो गैस फैल जाता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, और नोजल से जो छोटे 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 होल से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये आ गया ऐसा। नाउ अब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने दो दो कंटेनर, कंटेनर वन और कंटेनर टू को अगर हमने कंपेयर करना चाहा, तो हम क्या लिखेंगे, रेट इन कंपेयर वन इन कंटेनर वन डिवाइडेड बाय रेट इन कंटेनर टू इज इक्वल टू पी वन बाई रूट अंडर एम वन इन टू पी टू बाई रूट एम टू बाई रूट अंडर पी टू। अब ये कैसे हुआ देखो, आर वन इज इक्वल टू पी बाई रूट अंडर एम वन लिखोगे, पी वन बाई रूट अंडर एम वन, आर टू इज इक्वल टू पी टू बाई, एक सेकेंड, आर वन इज इक्वल टू पी वन बाई रूट अंडर एम वन लिखोगे, आर टू इज इक्वल टू पी टू बाई रूट अंडर एम टू लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये एम टू ऊपर जाएगा, ये एम वन नीचे आएगा और ये पी टू नीचे रहेगा, यही वाला चीज़ है यहाँ पे। नाउ डेंसिटी के टर्म में क्या है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कॉन्स्टेंट रखते हो तो डेंसिटी के टर्म में ये आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एम टू बाई एम वन इज इक्वल टू रूट अंडर डी टू बाई डी वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। नाउ वेपर डेंसिटी, ये वीडी क्या है, वेपर डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी पढ़े हो तुम मोल कॉन्सेप्ट में, वेपर डेंसिटी बताया था मैंने क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई टू। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर मे बी एक्सप्रेस्ड एज, रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड में कोई गैस कितना डिफ्यूज हो रहा है, वी वाई टी, नंबर ऑफ मोल्स कितना डिफ्यूज हो रहा है, एन बाई टी, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है पर यूनिट, दैट इज योर डी बाई टी। क्लियर है? तो दिस वॉज योर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत शानदार शानदार टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके है ना, आपका सोचने का क्षमता बढ़ाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन। या वी हैव क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज फाउंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 1.50 ग्राम पर लीटर 30 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mmHg या mm प्रेशर है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। एक मिक्सचर है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का, और ऐसा पाया जाता है कि उन दोनों की जो कंबाइंड डेंसिटी है वो 1.50 ग्राम पर लीटर है। टेम्परेचर दिया हुआ है इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये सोचना है कि अगर दो मिक्सचर है इन गैसों का, तो यहाँ पे आइडियल गैस के बारे में कह रहा है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कुछ भी नहीं कहा, मैं तो आइडियल गैस के बारे में कह रहा हूँ। प्रेशर का जो टर्म है वो 730 mm दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है mmHg के टर्म में वो कितना होता है, 760। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट, इसको काटो मत क्योंकि आसान होगा आपको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर का टर्म, हम स्टैंडर्डाइज करेंगे हमेशा, प्रेशर जब भी दिया रहेगा तो उसको हम 760 के साथ डिवाइड करके हम उसको स्टैंडर्ड निकालेंगे, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम एटमोसफेयर में चेंज, इसको हमने बेसिकली एटमोसफेयर में चेंज किया, मतलब कि वन एटमोसफेयर में हम बोल सकते हैं ना कि 760 mm है, या 760 में वन एटमोसफेयर है तो 730 में कितना एटमोसफेयर होगा, तो 730 बाई 760, ठीक। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये सब समझ में आएगा आगे, देखो क्यों कर रहे हैं। हमें मालूम है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, आर की वैल्यू हमें रखनी है, तो आर का जो यूनिट हमने पढ़ा है वो एटमोसफेयर लीटर में पढ़ा है, ठीक है, या तो जूल में पढ़ा है या तो कैलोरी में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम एटमोसफेयर में चेंज करेंगे तो आसानी रहेगी आर की वैल्यू पुट करने में, इसीलिए इसको हमने चेंज किया है, ठीक है। नाउ पी वी इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवेन मास बाई मोलर मास आर इंटू टी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपका जो प्रेशर है वो तो आपको पता है, आपका जो यहां से प्रेशर है वो तो आपको पता है, वो कितना है प्रेशर, 730 बाई 760, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे इक्वल टू करके लिखें तो हमारे पास ये डेंसिटी का टर्म है, जरा ध्यान दो, गिवेन मास भाई, अब इस वॉल्यूम को हम इधर नीचे लेके आएंगे तो वी इंटू एम होगा इंटू आर इंटू टी,
तो मास बाय वॉल्यूम क्या देता है हमें, डेंसिटी देता है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 73 डिवाइडेड बाई 76 इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है 1.50, दिस डिवाइडेड बाई हमें कंबाइंड मोलर मास यहाँ से मिलेगा। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.0821 इंटू, अब टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है तो हम टेम्परेचर को किस में बदलेंगे, केल्विन में। तो 30 + 273 विल बी इक्वल टू 303 केल्विन, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 303। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी 38.85, ये कैलकुलेट कर लेना। ये मोलर मास जो है ये कंबाइंड मोलर मास है, ठीक है। ये जो m इज इक्वल टू 38.85 आया, ये बेसिकली हमारा कंबाइंड मोलर मास है, कंबाइंड। हमसे कॉम्पोजिशन पूछ रहा था ना, इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्स, मतलब परसेंटेज बेसिकली पूछ रहा है आपसे। तो अब देखो, हमें मालूम है कि जो हमारा एवरेज मोलर मास होता है, एवरेज मोलर मास ये क्या होता है, कंपोनेंट पहले का, पहले वाले का जो कंपोनेंट है, पहले वाले का कंपोनेंट का परसेंटेज बेसिकली। मान लिया कि उसका एक्स है, मान लिया CO और CO2 था ना, मान लिया इसका जो परसेंटेज है वो एक्स है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 28 प्लस दूसरे वाले का कितना बचेगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का मिला के परसेंटेज में हमको कैलकुलेट करना है, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 44, दिस डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन कितना हो जाएगा ये 100। नाउ एवरेज मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 38.85, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये 28x प्लस 4400 माइनस 44x, यहाँ से ये 100 इधर जाएगा तो दिस इंटू 100 लिख सकते हो। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे 3885, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 28x प्लस 4400 माइनस 44x, या फिर इसको जब आप लिखोगे तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 16x इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आओगे माइनस में, फिर उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम 32.19, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, आप ये घर पे कैलकुलेट करोगे 32.19, ये आया एक का, और एक जो हमने माना था ये मोल परसेंटेज, ये किसका माना था, मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने एक्स माना था, तो ये हो जाएगा 32.19% जो है यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, और मोल परसेंट अगर हम निकाल लें CO2 का तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 32.19 एंड दिस विल बिकम योर व्हाट 67.81% एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ये कॉम्पोजिशन के बारे में बेसिकली पूछ रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mmHg प्रेशर। अभी मैंने क्या बताया, ये तो बहुत इजी सवाल है, PV इज इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, डेंसिटी आपसे पूछ रहा है तो डेंसिटी के टर्म में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, P इज इक्वल टू N को क्या लिखोगे गिवन मास बाय मोलर मास, और ये वॉल्यूम का टर्म नीचे आएगा इंटू R इंटू T होगा, ये गिवन मास बाय वॉल्यूम जो होता है ये डेंसिटी का टर्म बताता है, तो P इज इक्वल टू डेंसिटी बाय M इंटू R इंटू T, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि 373 केल्विन होगा, ये कैसे होगा ये समझ में आ रहा है, 373 केल्विन, 273 से ऐड किया है 100 को तो केल्विन में चेंज हो गया। अब जो प्रेशर है यहाँ पे 800 mmHg में दिया है, और मैंने आपको क्या बताया एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए इसको 760 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो एक स्टैंडर्ड टर्म आएगा। नाउ वी हैव 800 डिवाइडेड बाई 760, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी का टर्म पूछ रहा है, एंड मोलर मास ऑफ CO2 इज योर व्हाट 44, एंड यहाँ पे 0.0821 आर की वैल्यू एंड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 373 है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट यहाँ से डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर डी का वैल्यू आएगा 1.512 ग्राम पर लीटर, ये आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देख रहे हो, ओके नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझना है कि 1.47 लीटर ऑफ ए गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर गैस कलेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देखते हो ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है उसमें CO2 गैस रहता है, वही एक एग्जांपल ले लो, किस टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस, किस प्रेशर पे 744 mmHg,
इफ द गैस वेज 1.98 ग्राम एंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 एमएम देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो जो दिया हुआ है गैस का वेट वो दिया हुआ है 1.98 ग्राम, ठीक है। जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.47 लीटर। जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कि क्या 273 प्लस 30 इज इक्वल टू 303 केल्विन दिया है। नाउ जो गैस है, ये गैस जब पानी के ऊपर कलेक्ट होगा तो ये गैस कुछ प्रेशर लगाएगा पानी पर, पानी भी कुछ प्रेशर लगाएगा गैस के ऊपर, तो जो नेट प्रेशर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 744 माइनस ये जो गैस का वेपर प्रेशर है 32 निकलेगा, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 712 mm, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, इसको हम चेंज कर लेंगे एटमॉस्फेयर में, इसको डिवाइड करके, ठीक है। अब देखिए ड्राई गैस के लिए, फॉर ड्राई गैस हमें मालूम है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, क्योंकि ये गैस प्रेशर लगा रहा था पानी पे और ये पानी प्रेशर लगा रहा था गैस पे, तो नेट प्रेशर में निकाल लिया रिलेटिव प्रेशर। प्रेशर का वैल्यू है 712 डिवाइडेड बाय 760। हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1.47। हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिखते हैं, गिवन मास, और गिवन मास ऑफ गैस कितना है 1.98 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू एटमोसफेयर के टर्म में दिया है, इसका मतलब कि आर के वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 303। और यहाँ से आप बहुत ही खूबसूरती के साथ कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ गैस, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 35.76 ग्राम, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारा क्वेश्चन और आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इसके बाद वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।